हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब पर आपने हमारे और हमारे जैसे अन्य चैनल्स पर अनेकों तरह की भूतिया स्टोरीज सुनी होंगी, जिनमें कभी कोई छलावा लोगों की जान लेने पर आमादा होता है तो कभी कोई पिशाच या पिशाचिनी अपनी माया में लोगों को फंसाए नजर आती है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि इन पैरानॉर्मल एंटिटीज के नामों का फर्क सिर्फ शब्दों का खेल है या इन्हें ये नाम देने के पीछे कोई विशेष कारण है? यदि है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम भारत की भूतिया किस्से कहानियों में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पैरानॉर्मल बीइंग्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये कौन है और इनमें क्या क्या फर्क होते हैं, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं भारत में पाए जाने वाली अलग अलग पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में। प्रेत। प्रेत भारत के उत्तरी भागों की कथाओं में सबसे खासा मशहूर है। वैसे प्रेत शब्द का अर्थ है हंगरी घोस्ट। जिन व्यक्तियों की मृत्यु उनकी शादी से पहले हो जाती है या अपने जीवन काल में लालची प्रवृत्ति का होने के कारण जिनकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और जिनके कारण उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो आत्माएं प्रेत रूप में वीरान इलाकों में भटकती रहती हैं। अपने जीवन काल में कई इच्छाओं के अधूरे रह जाने के कारण ये उन लोगों को अपना सबसे पहला निशाना बनाती हैं, जिनके माध्यम से ये प्रेत अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। चाहे वो इच्छा शारीरिक सुख पाना हो या किसी अमीर इंसान के शरीर पर काबू कर भोग विलास का मजा उड़ाना। और यदि इन आत्माओं को ऐसा करने से रोका जाए तो ये आत्माएँ जिसके शरीर में प्रवेशित हैं उन्हें मौत की चीर निद्रा में सुला कर ही दम लेती हैं। प्रेत आत्माओं का वर्णन चाइनीज और टाइजम रिलीजन में भी मिलता है। वहाँ इन्हें पिनिन कहा जाता है। चाइनीज टेक्स्ट को अगर देखें तो प्रेतों को बेहद बदसूरत और डरावने जीव के रूप में दर्शाया जाता है, जो लोगों को अपना डरावना रूप दिखाकर मार देते हैं और फिर उनके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। पिशाच। हमारी माइथोलॉजी के अनुसार पिशाच योनि सबसे पुरानी योनियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पिशाचों को स्वयं ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था। वहीं कुछ धार्मिक रचनाओं में बताया गया है कि पिशाची कश्यप ऋषि और दक्ष प्रजाति की पुत्री कुद्रवसक की संतान है। पिशाचों का उल्लेख बहुत से बुद्धिस्ट किताबों में भी पाया जाता है। दरअसल पिशाच वो सुपरनेचुरल एंटिटी हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से बुरे कर्म और लूट खसोट की होती है। भारत में ये भी माना जाता है कि कुछ लोग मरने उपरांत पिशाची योनि को जाते हैं, लेकिन कुछ पिशाचों का जन्म आदि काल में हुआ था जो कि आज तक हमारी दुनिया में भटक रहे हैं। ये मांस खाने वाले और बेहद डरावने होते हैं और यदि कोई इन्हें अपने असली रूप में देख ले तो निश्चित ही उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। आमतौर पर पिशाच अन्य पैरानॉर्मल एंटिटीज की तरह लोगों को डराते या परेशान नहीं करते, बल्कि ये उस इंसान की सफरिंग्स यानी दुख तकलीफ को इंजॉय करते हैं। इनका शिकार अपने जीवन में दुखों और परेशानियों से जितना ज़्यादा घिरता है, पिशाचों को ये देख उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। पिशाच परिवार की सबसे कमज़ोर कड़ी को अपना निशाना बनाते हैं और उसकी बुद्धि पर अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर वो इंसान ठीक वैसा काम करने लगता है जैसा कि ये पिशाच उनसे कराना चाहते हैं और धीरे धीरे ये पिशाच उनके जीवन में इतनी कलह और जहर घोल देते हैं कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। छलावा। छलावा यानी जो धोखा दे। ये वो आत्माएं होती हैं जो अपना रूप किसी भी जीव जंतु या वस्तु जैसा बना सकती हैं। छलावा खुद को अलग अलग रूप में परिवर्तित करके लोगों को भरमाती है। इनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को मौत के घाट उतारना होता है। यूं तो आज तक छलावा को असली रूप में किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्हें पहचानने का केवल एक ही तरीका होता है। इनके पैरों को देखकर ये जाना जा सकता है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई छलावा है या कोई वास्तविक इंसान, क्योंकि छलावे के पैर हमेशा उल्टी दिशा में घूमे होते हैं। छलावे से जुड़ी किस्से कहानियां भारत के ग्रामीण इलाकों में बेहद चर्चित है और गांव के लोग ऐसा मानते हैं कि यदि किसी स्थान या घर को लंबे समय के लिए वीरान छोड़ दिया जाए तो ऐसी जगह पर छलावा अपना वास बना लेते हैं। लेकिन ये केवल एक विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रात के वीरानों में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं और महीने की कुछ ही विशेष रातों में इनकी शक्तियाँ चरम पर होती हैं। इन विशेष रातों में किसी भी छलावे से पार पाना लगभग असंभव माना जाता है।
दोस्तों, हमारे चैनल पर हमने भी कुछ दिन पहले छलावा भूत से जुड़ी बेहतरीन कहानी अपलोड की थी, जिसे आप देखकर ये जान सकते हैं कि छलावा किस तरह अपने शिकार को अंजाम देता है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यक्षिणी। यक्षिणी और यक्ष ऐसे सुपर नेचुरल बींग्स होते हैं जो ना तो देवता हैं, ना असुर और ना ही अप्सरा, लेकिन इनका वर्णन भारत के कई पुरानी कथाओं में मिलता है। भारत में कई प्रथाओं में इनको खजाने की रखवाली वालों के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी को एक सुंदर महिला के रूप में इंडियन आर्टवर्क में कई प्राचीन मंदिरों के गेट्स और प्रांगण में इनकी प्रतिमा उकेरी जाती है। यूं तो यक्षिणी को एक साफ दिल और किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली पैरानॉर्मल एंटिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जैसे इंसान अच्छे और बुरे दोनों ही प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक वैसे ही यक्ष और यक्षिणी अगर बुरी नीयत से किसी के पीछे पड़ जाएं, तो उस व्यक्ति का सर्वनाश किए बिना बाज नहीं आते। ये किसी पोल्टरगाइस्ट की ही तरह केवल अपने प्रभावों से चीज़ों को यहाँ वहाँ पहुँचा सकते हैं। यक्षिणी और यक्ष आम तौर पर घने जंगलों में रहने और खुद को बेहद सुंदर महिला या पुरुष के रूप में बदल सकते हैं। अपनी बला की खूबसूरती के जाल में फंसा कर ये यक्ष उनकी जान ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि यक्षिणी ज़्यादातर अशोका ट्री पर मौजूद होती हैं। इसके विपरीत यदि ये इनकी पूजा करने वाले किसी इंसान पर प्रसन्न हो जाए, तो यक्षिणी उस इंसान को अकूट संपत्ति, सुंदरता और वैभव या उसकी पसंद का कोई भी वरदान दे सकती है। मुस्लिम टेक्स्ट में भी यक्षिणी और यक्ष को ही जिन के रूप में वर्णित किया गया है। चुड़ैल। चुड़ैल शब्द सुनकर यूं तो बहुत से लोगों को अपने एक्स का चेहरा याद आ जाता होगा, लेकिन वास्तव में चुड़ैल वो स्त्री होती है जिन्हें अपने जीवन काल में बेहद बेदर्दी से मार दिया जाता है, और मरने के बाद उन महिलाओं की ईर्ष्या और द्वेष उन्हें एक बुरी आत्मा में बदल देती है। किसी छलावे की ही तरह यह चुड़ैल भी खुद को किसी भी रूप में बदल सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये चुड़ैल बेहद कुरूप होती हैं, इतनी कि जो भी इनको इनके असल रूप में देख लेता है, ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है या फिर सिर्फ डर से ही उनकी मौत हो जाती है। आमतौर पर चुड़ैल और डायन को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन डायन और चुड़ैल में सबसे बड़ा भेद ये है कि डायन एक जादूगरनी होती है जो भेष बदल कर इंसानों के साथ रहती है, वहीं चुड़ैल वीरानों में रहना पसंद करती है और ये खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। दोस्तों, आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आज की वीडियो में बताए गए सभी प्रकार के पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियोस लेकर बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं, हमारी नई स्पेशल सीरीज़ घोस्ट ऑफ इंडिया के एपिसोड में। तो हमारी नई सीरीज़ को इंजॉय करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।